आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 30 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्रीज को बड़ी भूमिका निभानी है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि यह भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने का आंदोलन है, ऐसा ही आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के साथ भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की खिलौने की चर्चा पर तंज भी कसा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में घर में रहते हुए उत्सव मनाए जा रहे हैं, लोग अपना और लोगों का ध्यान रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह का संयम देखा जा रहा है वह अभूतपूर्व है। गणेश उत्सव ऑनलाइन मनाया जा रहा है, इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी की मन की बात पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि नीट जेईई के विद्यार्थी प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खिलौनों पे चर्चा कर दी। लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी है। सबसे ज्यादा हालात होशंगाबाद में बिगड़े, यहां 33 घंटे में 17 इंच बारिश हो गई। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 13 फीट ऊपर बह रही है। नर्मदा का जल स्तर शनिवार की रात 10 बजे तक 983 फीट पर पहुंच गया, यह खतरे के निशान से 19 फीट ऊपर था। होशंगाबाद में 20 से ज्यादा बस्तियां 5 फीट पानी में डूब चुकी हैं। इसके अलावा 52 जिलों में शनिवार को एक साथ बारिश हुई। कोरोना काल के चलते लगभग 5 महीने से बंद मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से दोबारा आरंभ होने जा रही हैं। यात्रियों को मेट्रो में सफर के दौरान कई खास बातों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP तैयार कर लिए गए हैं। तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का परिचालन होगा ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। उधर दिल्ली में कौन से मेट्रो स्टेशन 7 सितंबर से खुलेंगे और कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, इसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर एंट्री से पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। टोकन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है क्योंकि टोकन से वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। मेट्रो कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति रहेगी। मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा। हालांकि काउंटर पर स्मार्ट कार्ड या मेट्रो कार्ड खरीदे जा सकेंगे। मेट्रो कोच के अंदर 1 मीटर की दूरी पर बैठना अनिवार्य होगा। मेट्रो कोच के भीतर एयर कंडीशनर कंट्रोल किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के तहत AC में ताजा हवा की मात्रा ज्यादा होगी। मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म और मेट्रो कोच के अंदर भीड़ ना हो इसलिए मेट्रो स्टाफ, पुलिस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यात्री का तापमान अधिक पाए जाने पर दिल्ली मेट्रो में सफर करने की अनुमति उसे नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खोले जाएंगे और ना ही बंद मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रुकेगी। पुणे के कुछ चिकित्सकों ने कोरोना के संक्रमण काल के बीच खून पतला करने की एक दवा को इस महामारी के उपचार में प्रभावी बताया है। पुणे के चिकित्सकों ने कुछ ट्रायल्स और मरीजों पर दिखे असर के आधार पर यह दावा किया है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नाम की इस वैक्सीन के जरिए कोरोना मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड को कम करने और उनके प्रभावी उपचार में मदद मिली है। इसके अलावा इससे कई मरीज रिकवर भी हुए हैं। कई मरीजों में सकारात्मक परिणाम देखने के बाद चिकित्सकों ने इसके प्रभाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। चिकित्सकों ने दावा करते हुए कहा कि SARS-CoV-2 वायरस के कारण मरीज के शरीर में काउंटर ब्लड इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने लगती है। इन रोगों को रोकने में यह दवा काफी प्रभावी दिख रही है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात कर दिया है।
हालांकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में इस कदम पर आपत्ति जताई थी। चीन लगातार इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहा है। इस इलाके में चीन ने 2009 से मिलिट्री और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का इस्तेमाल करके काफी विस्तार किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की उपस्थिति पर ऐतराज जताया था। चीनी नेवी का दावा था कि दक्षिणी चीनी सागर का अधिकांश हिस्सा उसके क्षेत्र में आता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहन कोमा की स्थिति में हैं, लेकिन रक्त संचार सामान्य है। उपचार कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया है और फेफड़े में संक्रमण का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने कहा कि मरीज का रक्त संचार सभी मानकों पर स्थिर है, जैसे रक्तचाप, हृदय और नाड़ी की गति स्थिर और सामान्य है। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन दिमाग में जमे खून के थक्के को निकालने के लिए ऑपरेशन भी किया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान की गई जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। बाद में उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया और गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। कभी भारत पर टिड्डियों के हमले से अर्थव्यवस्था के चौपट होने और इससे चीन के खिलाफ आर्थिक लड़ाई कमजोर पड़ने की उम्मीद में खुशी मनाने वाला ड्रैगन अब खुद बेहाल है। भारत सहित कई देशों में हमले के बाद टिड्डी दल चीन पहुंच चुका है और यहां भी ये टिड्डी दल फसलों को बर्बाद करने में जुट गए हैं। चीन के दक्षिणी भाग में टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं, तो ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था की बदहाली झेल रहे चीन के लिए यह एक और बड़ा झटका हो सकता है। चीन के बड़े अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक यह दशकों में टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है और इसका असर कल्पना से परे है। जून के अंत में चीन में घुसे टिड्डियों ने जमकर कहर बरपाया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के 20 दिनों में टिड्डियों का प्रसार दोगुना हो चुका है। सरकार अब इन टिड्डियों को रोकने के लिए सक्रिय हुई है और कीट नियंत्रण करने वाले कर्मचारियों को गांवों और जंगलों में भेजा गया है। कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन्स का सहारा भी लिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क न वसूल किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि उन्होंने ऐसा कोई शुल्क वसूल किया है तो लौटा दें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के मुताबिक यह मुद्दा उठाया गया था कि कुछ बैंक UPI के जरिए होने वाले लेन देन पर शुल्क वसूल कर रहे हैं। निश्चित संख्या में मुफ्त लेन देन के बाद बैंक प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर शुल्क वसूल करते हैं। रिलीज में कहा गया है कि यह 30 दिसंबर 2019 के एक सर्कुलर का उल्लंघन है, जिसे CBDT ने यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम PSS एक्ट की धारा 10A के आधार पर 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट पर कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, जिसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट शामिल है। माता वैष्णो देवी मंदिर का प्रसाद अब देश भर में श्रद्धालुओं को उनकी मांग पर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित मंदिर को 16 अगस्त को खोला गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर लगभग 5 महीने बंद रहा। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले बोर्ड ने देश भर में लोगों तक प्रसाद पहुंचाने के लिए डाक विभाग से करार किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियों की खरीद के नाम पर बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। यहां पर 10-20 रुपए किलो खरीदे जाने वाले टमाटर को 580 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा दिखाकर सरकार को बिल भेजा गया। मामले में जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।
दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इमलीपारा के क्वारंटाइन सेंटर में अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों व छात्र छात्राओं को यहां ठहराया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों के भोजन की व्यवस्था के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। सूचना के अधिकार RTI के तहत मिले दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ। इसके मुताबिक इमलीपारा क्वारंटाइन सेंटर में सब्जी बनाने के लिए टमाटर का 580 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिल बनाया गया। 580 रुपए प्रति किलो खरीद का बिल उस समय भेजा गया जब टमाटर की अधिकतम कीमत 20 रुपए किलो थी। जानकारी के मुताबिक बिल में अन्य सब्जियों की कीमत भी अधिक बताई गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 35,66,555 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 7,70,336 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 27,31,768 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 63,864 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 10,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,85,131 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 99,129 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 86,446 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 54,666, तमिलनाडु में 52,726, तेलंगाना में 31,284, उड़ीसा में 29,685, पश्चिम बंगाल में 25,996, केरल में 23,277, असम में 20,992, बिहार में 17,019, पंजाब में 15,409, गुजरात में 15,132, राजस्थान में 14,730, दिल्ली में 14,040, मध्य प्रदेश में 13,117 है, छत्तीसगढ़ में 12,666, झारखंड में 11,498 और हरियाणा में 10,606 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 30 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 31 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरीद पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करिए, सभी को कराइए।